देखिए डायरेक्शन की थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लीजिएगा, तो स्टेटमेंट बहुत 1000 किलोमीटर लंबा है। ये कह रहा है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, पहली बात तो जो कंडीशन प्रूव करनी है वो दोनों तरफ से प्रूव करनी है, मतलब ये वही है कंडीशन इज नेसेसरी एंड कंडीशन इज सफिशिएंट। क्या कह रहे हैं, फॉर अ वेक्टर स्पेस वी टू बी अ डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सम स्पेसेस W1 एंड W2, एक वेक्टर स्पेस है जो अपने सब स्पेस का डायरेक्शन होगा। कब? पहली कंडीशन ये है कि V को W1 प्लस W2 लिखा गया, ये यहां सर्कल में लगा रखिएगा, मतलब लीनियर सम हो, और दूसरा W1 इंटरसेक्शन W2 जीरो, क्योंकि W1 वेक्टर स्पेस का है, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट वेक्टर होते हैं, इसलिए यहां जीरो वेक्टर लिखा हुआ है। मतलब V को W1 और W2 का डायरेक्शन कहा जाएगा अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन फॉलो हो, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होगी तो डायरेक्शन लिखा जाएगा, अगर डायरेक्शन कहेंगे तो ये कंडीशन होगी और ये कंडीशन होगी तो डायरेक्शन होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, देखिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ स्टेप वन, पहले हम क्या लिखेंगे, द कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज नेसेसरी, मतलब यहां जीवन में क्या मानेंगे, हम जीवन में मानेंगे कि V जो है डायरेक्ट सम है W1 और W2 का। क्या मानेंगे जीवन में, कि V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, दैट इज V को लिखा जा सकता है W1 प्लस डायरेक्ट सम W2। ये इक्वेशन में बन रहा है, और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, ये प्रूफ कर लिया, ये पहली कंडीशन ये वाली, सेकंड कंडीशन ये वाली, ठीक है। अच्छा, इसमें एक वर्ड आता है डिसजॉइंट सब स्पेस, क्या आता है वर्ड डिसजॉइंट, नहीं वो ये आया इसलिए मैं बता दिया, डिसजॉइंट सब स्पेस जो सब स्पेस जुड़े ना हो, अगर दो सब स्पेस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, तो उन्हें डिसजॉइंट कहते हैं, और उनका इंटरसेक्शन फाइन होता है, ऊपर वो जीरो होता है। हमें डिसजॉइंट सेट पढ़े कि दो सेट में अगर कोई एलिमेंट कॉमन न हो तो उन्हें डिसजॉइंट सेट कहते हैं, तो डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन क्या होता था, फाइन होता था, तो डिसजॉइंट सब स्पेस का इंटरसेक्शन जीरो वेक्टर होता है। करो नाम आ गया, एकदम शुरू आ गया, तुमने बता दिया, जरा समझिएगा, प्रूफ करने जा रहे इसको, पहला पार्ट सावधान। देखो आप कह रहे हैं कि V डायरेक्शन है, मतलब V का हर एक एलिमेंट यूनिकली W1 और W2 के एलिमेंट के सम के रूप में लिखा जा सकता है, यही तो आपसे यहां कह रहे हैं। हाँ। इसको तो प्रूफ ही नहीं करते भाई, यूनिकली अनुभव लग गया कि एक ही तरीका है, लेकिन तरीका है ना, मतलब V का हर एलिमेंट W1 और W2 के एलिमेंट के सम के रूप में लिखा जा सकता है, यही यहां भी आपसे कह रहे हैं। पर डायरेक्ट सम में क्या कहा गया कि अगर 12 है और 5 W1 का है और 7 W2 का है, तो 5 प्लस 7 12 होगा, और कोई एलिमेंट नहीं होगा, 5 7 के अलावा कुछ कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है W1 W2 में जिनको सम करने पर 12 है। तो आप लिखेंगे एज वी, फर्स्ट स्टेटमेंट लिख रखा है उसी को लिख देते हैं, आप लिखेंगे एज वी इज डायरेक्ट सम of W1 and W2, so each element of V can be, but then uniquely expressed as the sum of an element of W1, element of W1 and element of W2, element of W2. इसका मतलब क्या होगा कि ये तो कंडीशन से आपको बोले, सो यहां तो आप कोई कह रहे हैं यूनिकली कर रहे हैं, मैं ये कह रहे हैं कि भाई W1 में 5 है, W2 में 6 है, और W और V में 12 है, सॉरी 5 है और 7 है और ये 12 है, तो 5 7 का क्या होता है, तो ये कह रहे हैं कि W1 में 6 है और W2 में 6 है, ऐसा नहीं है,
मतलब कोई दूसरा ऐसा ग्रुप नहीं है जिनको सम करने पर 12 आवे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका डायरेक्ट सम की डेफिनेशन है वो खुद कह रही है कि V का हर एक एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के सम के रूप में लिखा जा सकता है। सो फर्स्ट पार्ट इज अल्सो फर्स्ट पार्ट इज बुक लिखा हुआ है ना, हो गया पहला पार्ट बुक, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट बुक को नहीं जा रहे हैं, मतलब सेकेंड पार्ट क्या बुक बना है, W1 इंटरसेक्शन W2 फाइव जीरो, ठीक है, जीरो फाइव मतलब जीरो सौ। सेकेंड पार्ट W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू जीरो, ये हम कॉन्ट्रडिक्शन के रूप में लिखेंगे। हम एक एलिमेंट मानेंगे जो इसमें बिलोंग करेगा जीरो के अलावा, ठीक है, और इसको कॉन्ट्रडिक्शन के रूप में के फॉर्म में प्रूफ करेंगे। तो जब दिस वी प्रूव बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस वी प्रूव बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। देखो, हमने मान लिया कि एक नॉन जीरो एलिमेंट अल्फा है जो इसको बिलोंग कर रहा है, जबकि वो जीरो पर बिलोंग कर रहा है। हमने मान लिया दैट अ नॉन जीरो एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W, ये हमने मान लिया, ठीक है। अच्छा, अगर अल्फा W1 और W2 में है, इंटरसेक्शन में है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अल्फा W1 में भी है और अल्फा W2 में भी है? हाँ, क्योंकि जो इंटरसेक्शन में होता है वो दोनों होता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इंप्लाइज अल्फा W1 में भी है और अल्फा W2 में भी है, कह सकता हूं ना। अच्छा, अल्फा कैन बी रिटन एज, अल्फा कैन बी, बस अल्फा को लिखने का तरीका मत देखिएगा। अल्फा को अगर हम चाहें तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर प्लस अल्फा लिख सकते हैं। देखिए, अल्फा भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन चूंकि जीरो में दिक्कत है, जीरो रियल नंबर भी है, तो हमको उसे वेक्टर चढ़ाना पड़ता है, लिख सकते हैं ना। हाँ। और अभी आप करें अल्फा कहां पर है, W1 में, W2 में। और अभी आप ये भी कहा V क्या है, डायरेक्ट सम है W1 W2 का, इसका मतलब पहला एलिमेंट W1 दूसरा एलिमेंट W2 को सम करेंगे तब अल्फा मिलेगा, पर ये किसको बिलोंग करेगा, W1 को, ये किसको बिलोंग करेगा W2, इसका मतलब ये लगा करते मतलब दो का सम W लिखोगे तो पहला एलिमेंट किसमें होगा W1 में, दूसरा W2 में होगा, यानी इंप्लाइज जीरो बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू W2, ये होता क्या है आप। अच्छा, मैं क्या अल्फा को ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा का जीरो वेक्टर लिख सकते हैं, यहां इंप्लाइड होगा वेयर लगाओ, वेयर, तो वेयर अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड जीरो बिलोंग्स टू W2। अल्फा को दो तरीके से लिखा गया, एक में ये जब W1 में, ये W2 में, ये W1 में, W2 में, अल्फा को दो तरीके से लिखा गया है। अल्फा को इस प्रकार से भी सम के रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी सम के रूप में लिख सकते हैं, जबकि ये चीज गलत है, क्योंकि यूनिक होना चाहिए सम, क्योंकि सम यूनिक होना चाहिए। और आप यहां पर जीरो कहां पर है, अल्फा दूसरे में, एक अगर अल्फा W1 में, ये दूसरे में है, तो आप लिखिए स्टेटमेंट एज अल्फा इज रिटन, ऊपर लिखें by two ways, ठीक है, and it is not unique, and it is not unique. अगर दो वे से लिखा जाएगा तो V को हम डायरेक्ट सम नहीं कह सकते, ठीक है, सो इट इज कॉन्ट्रडिक्शन। हम आप कह सकते हैं सो अल्फा कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड
डायरेक्ट सम ऑफ डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू। भाई अल्फा जो है वो इंटरसेक्शन में था, ठीक है, और आपने कहा कि अल्फा को दो तरीके से ले सकते हैं सम के रूप में, इसका मतलब अल्फा को हम डायरेक्ट सम के रूप में नहीं ले सकते हैं। और अल्फा क्या था? नॉन जीरो एलिमेंट, यानी इसका मतलब कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट इसको बिलोंग नहीं कर सकता, ठीक है। सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट इसके इंटरसेक्शन में नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ। सो डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू क्या हो सकता है? केवल जीरो ही हो सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। देखिए अब हम इसका दूसरा स्टेप है क्या, द कंडीशन इज सफिशियंट। कंडीशन इज सफिशियंट पे क्या करेंगे आप, इसमें गिवन क्या मानेंगे आप, जो पहले वाले में प्रूफ किया है उसको यहां गिवन मानेंगे, और जो पहले वाले में गिवन था वो प्रूफ करेंगे। यानी यहां मानेंगे कि v बराबर गिवन क्या है, v बराबर w1 प्लस w2। इसको ही क्वेश्चन नंबर को डालो, पहले कोई दूसरा पड़ा हुआ है, पहले दूसरा पड़ा है, तो इसको तीसरा डाल दो। एंड डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, इसको क्वेश्चन नंबर फोर डाल दो। ये गिवन हो गया। और आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पर है, तो प्रूफ करना है कि डब्ल्यू वी कैन बी एक्सप्रेस एज द डायरेक्ट सम ऑफ डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू, यानी वी बराबर डब्ल्यू वन डायरेक्ट सम टू डब्ल्यू टू, ये प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ किया जाए इसको जरा समझिएगा। देखिए प्रूफ करते हैं इसको, ये क्या गिवन है, ये गिवन है कि v को जो है वो w1 और w2 के सम के रूप में लिखा जा सकता है, यानी w1 का एक एलिमेंट और w2 का एक एलिमेंट का सम करेंगे तो v का एलिमेंट मिल जाएगा। और यही तो यहां भी होता है, बस यहां एक चीज होती है कि ये यूनिक है, मतलब एक ही ऐसी ऐसी कंडीशन होगी, मतलब एक का कहने का मतलब v का 7 है और W1 का 2 है और W2 का 5 है, तो 2 प्लस 5 किसके इक्वल है, 7 के। तो ये कंडीशन कह रही है कि भाई 3 प्लस 4 भी हो सकता है 7 के, और ये कह रहा है केवल 2 प्लस 5 ही 7 होना चाहिए और कोई 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये तो चीज गिवन है कि इन दोनों के एलिमेंट का सम 7 के बराबर है, मतलब W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट का सम V के एलिमेंट के सम के इक्वल है, ऐसी कंडीशन दी है। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है ये प्रूफ करना है, मतलब ये यूनिक है, ये यूनिकनेस है इस सब में, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए जरा, तो आप लिखेंगे बाई इक्वेशन थ्री क्या शो करता है, इक्वेशन थ्री शोज दैट क्या शो कर रहा है कि v जो है का जो है ईच एलिमेंट ऑफ v जो है कैन बी एक्सप्रेस्ड, ईच एलिमेंट ऑफ v, ईच एलिमेंट ऑफ v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू वन, एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू वन एंड ईच एलिमेंट ऑफ, ईच एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू टू, ये गिवन। अब आपको जो हमको यही तो प्रूफ करना है, जी नहीं, हमको ये शो करना है कि दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। We have to show that this representation is unique. ये जो representation है वो unique है, ये prove करना है। तो यहाँ पर वही condition बार बार हम करते हैं कि हम इसको contradiction method से prove करेंगे। We prove by method of contradiction. We prove this. By method of contradiction, हम contradiction method से इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। दर समझिएगा क्या करेंगे, सावधान। v का एक एलिमेंट लेंगे अल्फा वन, अल्फा लेंगे, ठीक है, और इसका एक लेंगे अल्फा वन और अल्फा वन डैश लेंगे, और इसका लेंगे अल्फा टू और अल्फा टू डैश लेंगे, या बीटा वन और बीटा वन डैश लेंगे, और हम कहेंगे अल्फा वन प्लस बीटा वन करेंगे तब भी अल्फा आएगा, और अल्फा वन डैश बीटा वन डैश करेंगे तब भी अल्फा आएगा, यही गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि लेट इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल
इफ पॉसिबल अल्फा बिलोंगिंग टू वी, मतलब वी का एक एलिमेंट अल्फा है, हैज टू रिप्रेजेंटेशन, हैज टू रिप्रेजेंटेशन। जैसे अल्फा को आप लिख सकते हैं अल्फा वन प्लस अल्फा टू, अल्फा टू जहां अल्फा वन किसको बिलोंग करता है, अल्फा टू डब्ल्यू टू, वेयर अल्फा वन बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन एंड अल्फा टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू। और ये भी हम कह रहे हैं, इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल दो, इसको फाइव डाल दो, फाइव इसको यहां डाल दो फाइव। और ये भी हम कह रहे हैं कि एंड अल्फा को हम अल्फा वन डैश प्लस अल्फा टू डैश भी ले सकते हैं, ये भी हम कह रहे हैं। जहां पर अल्फा वन, इसको क्वेश्चन नंबर सिक्स डाल दो, जहां अल्फा वन डैश इसका एलिमेंट है डब्ल्यू वन का, और अल्फा टू किसका, अल्फा टू डैश इसका है डब्ल्यू टू का। अब क्या हो गया, वी का एक एलिमेंट दो दो तरीके के सम के रूप में लिखा जा सकता है, जो समझो नहीं, अगर ये ऐसा है तो ये फिर नहीं होगा, ये जो आपका डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यही दिखाना हमको पड़ेगा कि ऐसा नहीं होगा। देखिए क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन फाइव और सिक्स से कि दोनों सेम है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो बाय इक्वेशन फाइव एंड सिक्स आप कह सकते हो कि अल्फा वन प्लस अल्फा टू इज इक्वल टू अल्फा वन डैश प्लस अल्फा टू डैश, ये कह सकते हो। या आप ये भी कह सकते हो कि अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश इज इक्वल टू अल्फा टू माइनस अल्फा टू डैश, ये भी कह सकते हो। अब जरा एक बात समझ लीजिएगा, सावधान देखिए, अल्फा वन और अल्फा वन डैश किसको बिलोंग करते हैं, डब्ल्यू वन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इंप्लाइज अगर अल्फा वन डैश डब्ल्यू वन में होगा तो क्या माइनस अल्फा वन डैश डब्ल्यू वन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू वन है वेक्टर स्पेस और वेक्टर स्पेस एबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। एज डब्ल्यू वन इज, एज डब्ल्यू वन इज वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस। सो इफ अल्फा वन बिलोंग्स टू अल्फा वन डैश बिलोंग करता है डब्ल्यू वन में, इंप्लाइज माइनस अल्फा वन भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये एडिशन के केस में ये एबेलियन ग्रुप है, तो एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। अच्छा अगर अल्फा वन डब्ल्यू वन में है और माइनस अल्फा वन डैश भी डब्ल्यू वन में है, तो इन दोनों का सम क्लोजर प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अल्फा वन प्लस माइनस अल्फा वन डैश भी डब्ल्यू वन में होगा बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि आपने कहा कि अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश किसमें होगा, डब्ल्यू वन में होगा, ठीक है। एंड दूसरी बात देखो जरा ध्यान से, अल्फा टू, अल्फा टू डब्ल्यू टू में है और अल्फा टू डैश भी डब्ल्यू टू में है, तो मैं कह सकता हूं माइनस अल्फा टू डैश भी डब्ल्यू टू में होगा। इसी प्रकार से तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा टू माइनस अल्फा टू डैश भी डब्ल्यू टू में होगा, ये भी मैं कह सकता हूं, इसी प्रकार से कह सकता है ना। अब देखो ध्यान से, अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश किसमें है, डब्ल्यू वन में, और अल्फा टू माइनस अल्फा टू डैश किसमें, डब्ल्यू टू में है। और कह रहे हो आप ये दोनों चीजें कैसी हैं, सेम है, तो इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में होंगी, नहीं होंगी भाई। आप कह रहे हो ये डब्ल्यू वन में है, ये डब्ल्यू टू में भी है, ये दोनों चीजें सेम है, यानी ये फाइव है डब्ल्यू वन में है, ये फाइव है डब्ल्यू टू में है, तो इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में होगा। तो कह सकते हैं सो सो अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश कहिए इक्वल टू अल्फा टू माइनस अल्फा टू डैश कहिए, किसको बिलोंग करेगा, डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू में बिलोंग करेगा, ठीक है। लेकिन आपसे क्या कहा गया है कि डब्ल्यू वन माइनस इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू डैश, डब्ल्यू टू है क्या, जीरो वेक्टर है, कहा गया है ना। और हमने कहा था डिसजॉइंट सब स्पेस बताया था आपने, तब जीरो वेक्टर आता है, लिखा है बट बाय क्वेश्चन फोर डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू डैश, डब्ल्यू टू
किसके इक्वल है, जीरो वेक्टर के। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये भी जीरो वेक्टर है, ये भी जीरो वेक्टर है, कह सकता हूँ ना। हाँ। इसका मतलब ये हुआ सो अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश क्या है, जीरो वेक्टर है, यानी अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा वन डैश एंड अल्फा टू माइनस अल्फा टू डैश किसमें है, ये भी जीरो है, यानी अल्फा टू इज इक्वल टू अल्फा टू डैश। आपने क्या कहा था, आपने कहा था अल्फा वन अल्फा वन डैश अलग अलग एलिमेंट है, आप यही कह रहे हो, कह रहे थे ना कि अल्फा बराबर अल्फा वन प्लस अल्फा टू है और अल्फा बराबर अल्फा वन डैश प्लस अल्फा टू डैश, यही कह रहे थे ना। यानी अल्फा को दो तरीके से अलग अलग सम के रूप में लिख सकते, लिख रहे थे, यानी आपका यूनिकनेस वहां फेल हो रहा था। तो हमने कहा एक्चुअली में हम सूत्र बना रहे थे ये अल्फा वन डैश दो अलग अलग नहीं है भैया, ये दोनों एक ही है क्योंकि ये जीरो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस शोज दैट, यही शो करता है, दिस shows that contribution is wrong, so that we can be uniquely expressed as an element of W1 and element of W2, W1 and an element of W2, ठीक है ना, hence W1 is direct sum of V is direct sum of W1 and W2, ये प्रूफ करा था, तो यही आपका प्रूफ हो गया, hence proof। ये थोड़ी छोटी तरह पहली वाली कंडीशन थी necessary और दूसरी कंडीशन है, कंडीशन इज सफिशियंट, ठीक है, नोट करिए।